यह तस्वीरां वठंडा दियां ने जिथे देश दे प्रधानमंत्री विरुद्ध जम के नारेबाजी की जा रही है। यह उही थां है जिथे बीजेपी दे कौमी प्रधान जेपी नड्डा ने नवे दफ्तर का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करना सी। इस दे चलदिआं बीजेपी पार्टी वठंडा की लीडरशिप वालों पहुंचण का प्रोग्राम सी, पर सवेर तो ही भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां ने दफ्तर वाली थां ते बाहर घराओ करके नारेबाजी करनी शुरू कर दिती। इत्थे जेपी नड्डा जिहड़ा सेंटर दा मंत्री है भाजपा वालिआं दा, उहने अज आउणा सी बठिंडे दी धरती दे उत्ते। कल असीं वड्डा इकट्ठ करके ऐलान कीता, लगभग 2 महीनिआं तों असीं लगातार पंजाब दे किसान संघर्षां दे पिड़ां दे विच आ, जिहदे चों अज जदों दे आउण दा सानूं भिणक पई तड़के वी उहने आउणा है। तड़के सुते उठदा सार असीं सुनेहे लाए, किसी ने चाह पीती किसी ने नहीं पीती। पहला साढ़े किसान 10 बजे तो पहला नहीं सी आउंदे हुंदे 11 बजे तो, पर अज साढ़े किसान है जिहड़े तड़के 7 बजे बठिंडे दी धरती ते आ गए सी। इन्हां दा बीजेपी वालां दा विरोध है जिहड़ा, इस हद तक करांगे जिन्ना चिर कानून रद्द नहीं हुंदे, उन्ना चिर बीजेपी दा लीडर कोई पंजाब दी धरती ते पैर धर जे साढ़े वास्ते सवाल है। ये आ कानून है जिहड़े काले रद्द करा के हर हालत रद्द करा के रहांगे, उन्ना चिर साडा विरोध बीजेपी दा अहीं जारी रहूगा। देखो मीटिंग च फैसला उन्हें नहीं करना, वह हंकारी बंदा है, वह हंकार का भरिया होया है। उन्हें जो हुण तक मूँह चो कढ़ता उन्हें वापस लैता नहीं, उन्हें कश्मीर ते हल्ला बोलिया, उन्हें दिल्ली के कतलोगार्द कराई है, उन्हें गुजरात के कतलोगार्द कराई है। उन्होंने लगता है मैं पंजाब के लोगों भी ऐं दब लूँ, पर पंजाब के लोगों ने उसकी झंडी फड़ी हुई है। वह आन वह आके गेड़ा दे के देखण पंजाब की हालत की बनी हुई है। जिक्रयोग है कि जेपी नड्डा का नींह पत्थर रखने वाला प्रोग्राम बीजेपी वालों रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है। पर इत्थे तुसी सुनी चुके हो कि किसान आगू देश के प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों तो किन्ने परेशान ने, पर केंद्र की मोदी सरकार अपने फैसलों तो टस तो मस नहीं हो रही। लेकिन जे अजिही हालात रहे तो किसानों मुताबक बीजेपी आगुआ का पंजाब अंदर वड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। वठंडा तो परमिंदर सिंह की खास रिपोर्ट। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।